लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन, लास्ट क्लास लेक्चर 1 में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखे थे, और वहां पर हम देखे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में हम वहां पे देखे थे। और हम लोग क्या देखे थे, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं और उसमें प्लस डीसी बाई डीटी होता था और माइनस डीसी बाई डीटी होता था, ये सब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख रहे थे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली कहता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जस्ट ए मैथमेटिकल नंबर विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड विच सिग्निफाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। तो यह कहना ये चाहता है, जैसे हम लोग पढ़े कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट होगा, और यहाँ पे कुछ पावर चेंज को रेस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को हम बोल रहे हैं ये जस्ट ए मैथमेटिकल नंबर, ये क्या है, इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल नंबर। इस नंबर को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये जो मैथमेटिकल नंबर है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, जो क्या सिग्निफाइज करता है, इट सिग्निफाइज रेट ऑफ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन का क्या चेंज हो रहा है। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को क्या करें, चेंज करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से पता चलता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। एक्सपेरिमेंटली अगर पता चलता है तो उसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन का, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। If on doubling the concentration, अगर हम लोग concentration को क्या कर देते हैं, concentration को अगर double कर देते हैं reactant का, अगर हम लोग reactant पर concentration को double कर देते हैं तो rate of reaction भी क्या होता है double। तो अगर हम लोग concentration को double करने से पहले concentration क्या था, जब C था तो rate of reaction RO R था, और जो हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते थे डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है डबल। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग डबल करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर डबल हो जाता है, ऐसा रिएक्शन को क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और डबलिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन का अगर आर ओ रेट कॉन्सेंट्रेशन सी है और रेट ऑफ रिएक्शन आर है, अगर हम लोग इस बार डबल किए कॉन्सेंट्रेशन को तो रेट ऑफ रिएक्शन फोर टाइम्स अगर बढ़ जाएगा, रेट ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम फोर टाइम। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर फोर टाइम बढ़ जाएगा तो ऐसा रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसी की तरह If on doubling the concentration of reactant, अगर हम लोग concentration of reactant को doubling कर रहे हैं, हैं? और rate of reaction एक time अगर increase कर जाए, अगर concentration पहले C था, तो rate of reaction R O R था, अब हम लोग concentration को double कर रहे हैं, तो rate of reaction एक time increase कर जाएगा। तो अगर rate of reaction अगर एट टाइम्स हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन को डबल के, अगर रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, अगर कॉन्सेंट्रेशन को
चेंज कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ही ना करें तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। हम यहाँ पे देखें अभी तक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे थे तो रेट ऑफ, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे नो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। यहाँ पे छूट गया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग डबल कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जा रहा है, और अगर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स देख रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जा रहा है। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स में भी होगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं तो इधर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज को रख रहे हैं, इधर हम लोग किसको रख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज को, और हम लोग देख रहे हैं इसका इफेक्ट ऑन रेट इसका क्या है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस है कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना कर रहे हैं, डबल, तो ये भी कितना चेंज हो रहा है, डबल। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग 3 टाइम कर रहे हैं तो ये भी कितना चेंज होगा, 3। और उसी तरह हम लोग अगर एन टाइम चेंज कर रहे हैं तो उसी तरह कॉन्सेंट्रेशन एन टाइम चेंज होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट भी डबल हो, कॉन्सेंट्रेशन को अगर ट्रिपल कर दिए तो रेट भी ट्रिपल हो रहा है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना चेंज किया उतना ही अगर रेट भी चेंज हो रहा है, अगर 3 किए 3 चेंज हो रहा है, ऐसा चेंज को बोलते हैं कैसा चेंज, लीनियर चेंज। और ऐसा हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर देखे थे क्या, फर्स्ट ऑर्डर अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल करे तो रेट भी डबल होगा, कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करे तो रेट भी ट्रिपल होगा, अगर एन नंबर टाइम्स करे तो रेट में भी इफेक्ट एन नंबर टाइम्स आएगा। तो जब लीनियर चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसी तरह से अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं ये 4 टाइम इंक्रीज कर जाए, इसको हम लोग अगर 3 टाइम कर रहे हैं ये 9 टाइम इंक्रीज कर जाए, उसी तरह अगर एन टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो स्क्वायर टाइम इंक्रीज कर जाए, तो 2 टाइम्स में 4 हो जाए, 3 टाइम्स में 9 हो जाए, और एन टाइम्स में एन स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो जाता है। ऐसा चेंज हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक चेंज। तो क्वाड्रेटिक चेंज जहां पे होता है वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स।
अब हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 का क्यूब हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे n का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग 3 टाइम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज, अगर हम लोग 3 टाइम कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27। तो हम लोग 2 टाइम्स कर रहे थे 8 हो रहा है, 3 टाइम करें 27 हो रहा है, तो n टाइम करेंगे तो n का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है, n का क्यूब। ऐसा चेंज को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक चेंज। तो क्यूबिक चेंज होता है तो क्या होता है, 3 टाइम। तो ऐसा काइनेटिक्स को हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक इसी तरह से हम लोग डबल कर देंगे या 3 टाइम्स कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन को, या n टाइम कर दें, कितना टाइम भी कर दें पर रेट ऑफ रिएक्शन पे ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज है और ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज ना आए, ऐसा हो जाता है 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। और ये जो टेबल है ये जो टेबल है, दिस टेबल इज एप्लीकेबल ओनली इफ वन कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस ऑल अदर रिएक्टर रिमेन, और सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा है और अदर रिएक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर रिएक्शन 2A+BP। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वन था, एक्सपेरिमेंट वन में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वन में हम लोग देख रहे हैं ए का कॉन्सेंट्रेशन 10 है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 10 है, तो रेट कितना है, हमने ए का कॉन्सेंट्रेशन को 10 ही रखे, ठीक है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किए, रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखें, अब बी का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर दिए डबल, बी का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर दिए डबल, और तो रेट भी क्या हो गया, रेट कैसा चेंज हो गया, रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स, रेट 4 टाइम्स चेंज हो गया, 2 का चेंज पे रेट 4 टाइम चेंज हो रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर, तो ऐसा चेंज है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक चेंज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, वो 2 है, 2 विथ रिस्पेक्ट टू बी। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है 10 10, बी का कॉन्सेंट्रेशन हम सेम रखेंगे तो ए का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डबल, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं डबल,
जब ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट भी क्या चेंज हो रहा है, रेट भी डबल हो रहा है। तो डबल का डबल हो रहा है, तो कैसे चेंज है, डबल का डबल हो रहा है, कैसे चेंज होता है, लीनियर चेंज। जब लीनियर चेंज होता है तो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू अगर ये बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, होता है विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर बात कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू जब बी बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू हो रहा है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्री हो जाएगा। यहाँ पे वही कह रहा है कि हम लोग क्या करना है, टेबल में तभी एप्लीकेबल होगा जब हम लोग वन कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस ऑल अदर रिएक्टेंट रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब कि जब बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखे थे, मतलब वन कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस और अदर रिमेन कॉन्स्टेंट, तो जब बी को हम लोग कॉन्स्टेंट रखें, बी का कॉन्सेंट्रेशन 10 ही रखें और इसका बगल वाला चेंज हो रहा है, तो ये 10 था तो ये 20 हो गया, मतलब कि एक चेंज कर रहा है और एक को कॉन्स्टेंट रखे हैं, तो ये पार्ट अगर हम लोग कॉन्स्टेंट रखे हैं बी के रिस्पेक्ट में, ये चेंज कर रहा है। अच्छा, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट रखे थे 10 10, ये दोनों को तो हमको ये चेंज कर रहा था, इसी तरह हम लोग को इसको यूज करना है। ये तब यूज होगा जब एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रख देंगे और एक को चेंज करेंगे, फिर इधर अगर चेंज किए इधर कॉन्स्टेंट रखेंगे, इधर कॉन्स्टेंट रखे इधर चेंज करेंगे, इस तरह से इसका एप्लीकेबल एप्लीकेशन में लाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है इसके बाद काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग सबसे पहले काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग क्या देखें कि जब हम लोग ए का रेट को चेंज कर रहे हैं, ए का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में नो चेंज हो रहा था। जब कोई चेंज ना हो तो हम लोग ऐसा रिएक्शन हो क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन अगर कोई चेंज ना हो तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डेट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड एट ए कॉन्स्टेंट रेट। इसका मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है, एट कॉन्स्टेंट रेट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड एट कॉन्स्टेंट रेट। जब रेट चेंज ही नहीं हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से, तो रेट जब एक चेंज ही नहीं होगा, जो था वही है, तो ऐसा चेंज कर लो क्या, कैसे चेंज कर लो, कॉन्स्टेंट रेट। लेट अस कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद रेट कॉन्स्टेंट के नॉट। अब हम लोग एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जिसमें एक रिएक्शन हो रहा है ए से, ए रिएक्टेंट है जिससे पी प्रोडक्ट बन रहा है, और यह रेट कांस्टेंट क्या है रिएक्शन का, के नॉट। रेट कांस्टेंट हम लोग क्या लिए हैं, के नॉट। तो जब टाइम टी जीरो था तो उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए था, ए यहाँ क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए।
रिएक्टेंट ए का इनिशियल क्वांटिटी है और किसी टाइम टी पे एक्स क्वांटिटी प्रोड्यूस कर गया किसी टाइम टी पे क्वांटिटी एक्स फॉर्म कर गया इस तो अगर एक्स फॉर्म कर गया तो प्रोडक्ट एक्स जब बना किसी टाइम टी पे तो ए कितना कम हो गया ए माइनस एक्स तो ए कितना अवेलेबल है ए माइनस एक्स तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन जब अप्लाई करेंगे तो रेट जो है इसके प्रोपोर्शनल होगा ए और क्योंकि हम लोग कौन सा काइनेटिक्स को कंसीडर किए जीरो ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा जीरो और रेट क्या हो जाएगा जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट के नोट आएगा जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट के नोट आएगा और ए टू द पावर जीरो ए रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन ए रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन आर इज इक्वल टू के नॉट तो यहाँ पे क्या हुआ रेट ऑफ रिएक्शन से आर क्या आया आर इज इक्वल टू के नॉट तो यहाँ पे क्या हुआ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए अगर लिखे तो जैसे रिएक्शन ए से हमारा बी हो रहा है अपन लोग लिए हैं के नॉट तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए लेंगे तो ए क्या है रिएक्टेंट रिएक्टेंट के टर्म में माइनस और ए किसी टाइम टी पे ले रहे हैं और डी टी एंड देन रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ अगर बी किसी कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ पी ले तो क्या होगा डी पी बाई डी टी और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी टी डी एक्स क्यों क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम उस टाइम टी पे टाइम टी पे ये एक्स था इसका रेट क्या है डी एक्स बाई डी टी तो यहाँ पे वेट ए मिनट तो यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पे ए का ए क्या है उस टाइम टी पे टाइम टी पे यहाँ पे ए कितना है टाइम टी पे a माइनस एक्स बाई डी टी इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टी माइनस और माइनस डी एक्स बाई डी टी ये क्या हो जाएगा ये टर्म माइनस डी ए बाई अब ए क्या है ए मेरा नॉन है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म के लिए क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन जीरो
ये हो जाएगा प्लस dx by dt, ये जो dA by dt है ये dA by dt है माइनस dA by dt जो है ये हमारा हो जाएगा प्लस dx by dt। और यहां से हम लोग अगर ले तो किसी टाइम पी पे, तो पी क्या था यहाँ पे एक्स उस टाइम टी पे, तो ये डीएक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे अगर हम चाहे डी ए बाई डी टी लें, माइनस डी ए बाई डी टी लें, या प्लस ये प्रोडक्ट के टर्म ना, तो ये प्लस होगा, या प्लस डी पी बाई डी टी लें, तो यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा डीएक्स बाई डी टी होगा। तो यहाँ पे नो रेट क्या लेंगे, चाहे ए के टर्म में लें तो ए के टर्म में भी लेंगे, तो प्लस dx by dt होगा, और इसके टर्म में भी लेंगे तो प्लस dx by dt होगा। तो हमारा जो ये रेट dA by dt है वो dx by dt ही लिखेंगे, और dP by dt चाहे रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट के टर्म में, और ये हो गया प्रोडक्ट के टर्म में। देन नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन वन से देखेंगे। इक्वेशन वन में आया था ये आर इज इक्वल टू के नॉट, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, तो यहाँ पे ये मेरा आया था जैसे ए से प्रोडक्ट पी बन रहा था, तो रेट मेरा क्या था पी, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पी का पावर जीरो, ये क्या देता था मेरा रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल रहता है कॉन्स्टेंट के, पी का पावर जीरो, पी का पावर जीरो कितना होता है वन, आर इज इक्वल टू के नॉट, यहाँ पे हमने लिए थे इसका के नॉट लिए थे, तो आर इज इक्वल टू के नॉट, यहाँ से मेरा आ गया आर इज इक्वल टू के नॉट। और हम लोग अभी रेट क्या निकाले, एक ए के टर्म में अगर निकाले रिएक्टेंट के टर्म में, तो प्लस डी एक्स बाई डी टी, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी निकाले ये भी आया प्लस डी एक्स बाई डी टी। तो हम लोग रेट क्या लिख सकते हैं, रेट डी एक्स बाई डी टी ले, ये हो जाएगा के नॉट। यहाँ रेट में जब डी एक्स बाई डी टी रहेगा, यहाँ डी एक्स बाई डी टी रहेगा, मेरा क्या हो जाएगा ये इक्वेशन फाइनली मिलेगा, या रिएक्टेंट के टर्म में ले या प्रोडक्ट के टर्म में ले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये डीएक्स बाई डीटी के अकॉर्डिंग होगा। इस इक्वेशन को लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ। हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशियल को, रेट लॉ को हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम लोग यहाँ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डीएक्स उधर रखें और के नॉट डी टी लिख सकते हैं। हम लोग इसको इंटीग्रेट करें डीएक्स को, तो एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, एक्स जीरो से, एक्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या था जीरो था, प्रोडक्ट इनिशियली प्रोडक्ट क्या था जीरो, फिर फाइनली जो प्रोडक्ट कितना हो गया एक्स, एक्स तक बना, और हमारा के नॉट क्या है कॉन्स्टेंट, और डी टी को हम लोग रिस्पेक्ट में, जब एक्स नॉट था तो टाइम क्या था उस समय जीरो,
पी टाइम क्या हो गया टी, जब परसेंटेज एक्स था तो किसी टाइम टी पे था, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 से एक्स और इसका कांस्टेंट बाहर के नॉट, और यहाँ पे टी डीटी का टी 0 से टी, ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस 0 और ये आ जाएगा के नॉट टी माइनस 0 एक्स इज इक्वल टू के नॉट टी, ये भी आ गया एक। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अब इसके बाद हम निकालते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज हाफ लाइफ टाइम, इट इज डिफाइंड एज टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यहाँ जो रिएक्टेंट है, जैसे एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट ए था जिससे प्रोडक्ट पी बन रहा है, तो अगर टी इज इक्वल टू जीरो इसका कॉन्सेंट्रेशन 100 था, तो कोई ऐसा टाइम टी इसका कॉन्सेंट्रेशन का वो कितना हो जाए 50, मतलब कि अगर ये 50 हुआ और इस प्रोडक्ट इनिशियली 0 होगा, और जब ये 50 इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 होगा तो प्रोडक्ट इसका मतलब 50 बन चुका होगा। तो यहाँ पर ऐसे जनरल टर्म में बात करें कि ए से टी एक रिएक्टेंट ए है जिससे प्रोडक्ट पी बन रहा है, और टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे ए है और ये क्या है 0, तो यहाँ पे इसका अगर x बन रहा है तो ये कितना होगा a माइनस एक्स, और ये जो a माइनस एक्स है वो हाफ लाइफ टाइम में कितना हो जाएगा a का आधा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं a माइनस एक्स a बाई टू के बराबर होगा, कब जब t इज इक्वल टू t हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ लाइफ टाइम में, व्हेन हाफ लाइफ टाइम इज गिवन। तो हाफ लाइफ टाइम हम यहाँ से निकालेंगे HLT, मतलब हाफ लाइफ टाइम, जब हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे तो t इज इक्वल टू t 1/2 और x इज इक्वल टू x t इज इक्वल टू t 1 t, यहाँ पे जब हाफ लाइफ टाइम लेंगे तो t क्या हो जाएगा, t की जगह पर t हाफ हो जाएगा, और x की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स की जगह पे ए बाई टू हो जाएगा, कैसे जैसे यहाँ पे ये कितना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एक्स निकालेंगे तो एक्स इधर चला जाएगा ए ए माइनस टू इज इक्वल टू एक्स, दिस गिव्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू, यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा ए बाई टू। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या आया था एक्स इज इक्वल टू के नॉट टी आया था, यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा टी टी हाफ हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा ए बाई टू, इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की जगह पे ए बाई टू के नॉट टी 1/2, यहाँ पे मेरा टी हाफ कितना निकल के आ जाएगा ए बाई टू के नॉट, तो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकल गया। अब इसके बाद होता है क्वार्टर लाइफ टाइम। क्वार्टर लाइफ टाइम हो गया, एक तो टी था, टी से हम लोग टी हाफ में गए, अब एक हो गया टी 3/4, इसको हम लोग टी 75 भी बोलते हैं। जब टी, अब इस बार टी को हम लोग क्या लेंगे टी क्वार्टर बोलेंगे, और ए माइनस एक्स को क्या लेंगे 3a/4, ए माइनस एक्स को क्या लेंगे 3a/4, मतलब कि हमारा
ए से पी बन रहा था और यहाँ पे क्या था, टी इज इक्वल टू 0 पे ये ए था और ये 0 था, टी इज इक्वल टू टी होता था, टी इज इक्वल टू टी तो ये क्या होता था, ए माइनस एक्स और ये एक्स बना हुआ रहता था। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जो अब टी जो है वो क्या हो गया है, टी 3/4, तो ए बाई एक्स इस टाइम में किसके बराबर हो जाता है, 3a/4 के बराबर। कहने का मतलब है कि पहले ये a था, अगर जब क्वार्टर लाइफ टाइम हो तो इसका 3/4 a हो गया, मतलब कि 75% ऑफ a अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 75/100 इंटू ए 3/4 a। कहने का मतलब है ये a का 75% ऑफ ए बचा है, तो क्वार्टर में क्या होता है कि 75% ऑफ ए बचता है, ठीक ना। क्वार्टर लाइफ टाइम का बात अगर कर रहे हैं तो 75% ऑफ ए ही बचता है, ठीक है। 75% ए बचेगा तो क्या आ जाएगा मेरा, ए माइनस एक्स इक्वल टू 3a/4, एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स इधर जाएगा और ए माइनस 3a/4, कितना हो जाएगा 4a-3a a/4। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा 3/4। यहां से हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को जनरल इक्वेशन पता है कि के नॉट टी इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। जब के नॉट टी एक्स होता है तो हम लोग टी की जगह पे क्या लिख देंगे, टी क्वार्टर, हाँ के नॉट ही रहेगा, और एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स की जगह पे हम लोग लिख देंगे थ्री ए बाई फोर, क्योंकि क्वार्टर लाइफ टाइम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी यहाँ तक रहने देते हैं।